जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो शमशान भैरवी मृगाक्षी का पार्ट 4 है। देखिए, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मृगाक्षी का अपने गुरु के साथ तंत्र विद्या के द्वारा द्वंद्व युद्ध हुआ और उसमें गुरु का देहांत हुआ। अब इसके बाद में आगे की कथा मैं सुनाता हूँ आपको, और जहाँ से मुझे खुद अनुभव हुआ वहाँ का भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो देखिए, इस भैरवी में इतने गजब का आत्मविश्वास और तंत्र के क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण बन गई कि इसने कपालनाथ जैसे तांत्रिक से टक्कर ली और वे सभी भैरव और भैरवियाँ आश्चर्य के साथ में उस भैरवी को देख रहे थे जो अभी भी आसन पर खड़ी अग्नि में समर्पित औघड़ से प्रवाहित रक्त की भय मिश्रित जो धारा थी उसको आश्चर्य से देख रही थी। वह पत्थर के बुत की तरह खड़ी हुई थी। वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह सब उसके हाथों से हुआ है। कपालनाथ जैसे महान सिद्ध तांत्रिक से उसने टक्कर ली और उसे परास्त किया। उसने उस कपालनाथ का सिर विच्छेदन किया जो कृत्य सिद्ध था, जिसके संकेत पर प्रकृति विचरण करती थी, जिसकी भ्रकुटी अगर टेढ़ी होती तो अच्छे से अच्छा तांत्रिक दहल कर रह जाता, जिसके क्रोध के आगे यमराज को भी 2 क्षण रुक करके सोचना पड़ता। यही महाप्रतापी तंत्रज्ञ कपालनाथ उसके हाथों से इस प्रकार मर जाएगा, यह विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, अपने बचाव का प्रयत्न कर रही थी, औगढ़ को समाप्त करना चाहती ही नहीं थी। उसकी तो इच्छा उसे परास्त करने की थी, परंतु उसके अंतिम प्रयोग से अभूतपूर्व घटित हो गया। उसके जीवन का यह पहला प्रयोग था जो कि अनजाने में ही घटित हुआ। मैं देख रहा था, भैरवी अपने आसन पर चित्रलिखित सी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म में किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं रह गई है। कहीं मस्तिष्क की सिराएं फट न जाएं, कभी कभी अचानक गहरे आघात के फलस्वरूप मस्तिष्क की धमनियों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और मूल धमनी जो है वो फट जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति का देहांत हो जाता है। और उसी क्षण यही आशंका मेरे मन में व्याप्त हुई। मैंने भैरवी की तरफ देखा, वह निश्चल एकदम अपलक जड़वत सी खड़ी थी। उसके साथ ज्यों के त्यों शून्य में उठे हुए थे और जैसे ही उसके दोनों हाथों में रक्त पात्र हो, इस तरीके से उसके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे कि जैसे उसके हाथों में रक्त का पात्र हो और उसमें नरमुंड रखा हुआ हो, जैसे कि अभी अभी यह अंतिम आहुति देने के लिए तैयार हो। यह स्थिति ठीक नहीं थी, इससे मृत्यु भी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि वह पागल सी हो जाए। उसने एक लड़ाई जीती है पर प्रकृति की इस दूसरी लड़ाई में हार सकती है। उसकी विजय सब कुछ दांव पर लगाने के बाद व्यर्थ हो सकती है। और मैंने तत्क्षण 4-6 कदम आगे बढ़कर उसके दाहिने हाथ को पकड़कर हिलाया। इसका प्रभाव तुरंत हुआ, उसकी जड़ता समाप्त हुई, उसके शरीर में एक हलचल दिखाई दी और उसके मुख से हुम्म की ध्वनि सी निकली। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और तुरंत दोनों हाथ आँखों पर रखकर धम्म से उस आसन पर बैठ गई। उसे औघड़ का यह स्वरूप दिखाई दिया जब वह पहली पहली बार उससे मिला था। उसे औघड़ का स्नेहपूर्व व्यवहार स्मरण हो आया। उसने बताया कि औगड़ ने इस प्रकार से उसकी तकलीफ भैरवी को नहीं होने दी, किसी भी प्रकार की तकलीफ।
अन्य भैरवी भैरवियों से भी ज़्यादा उसे माना, उसे महत्व दिया और तंत्र क्षेत्र में निष्णांत किया। इतना समय तक साथ रहने पर भी औगड़ ने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसा कोई काम नहीं किया जो उचित ना हो। यहाँ तक कि उसके शरीर को भी काम वासना से स्पर्श तक नहीं किया। उसमें संयम था, इसमें संदेह नहीं। यदि औगड़ चाहता तो बलपूर्वक कुछ भी कर सकता था, पर उसने कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने दी। जब भी उससे मिला, किसी भैरव या भैरवी के साथ ही मिला। एकांत में भी यदि कभी दिन या रात को साधना की दृष्टि से मिलने की आवश्यकता पड़ती, तब भी उसने संयम और मर्यादा का पूरा पूरा ध्यान रखा। और आज उसने अपने ही गुरु का नाश कर दिया। उसके हाथों से गुरु हत्या हो गई है, एक ऐसे पुरुष की हत्या हो गई जो अपने आप में अद्वितीय था, जिसके पास तंत्र की विशिष्ट सिद्धियां और साधनाएं थी, जिसने ना मालूम कितने ही तांत्रिक तैयार किए थे और जिसकी धाक गोरखपुर से नेपाल की दक्षिण काली तक थी। वह ऐसा नहीं चाहती थी, मगर जाने अनजाने उससे जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुखदायी था। उसके द्वारा जघन्य कृत्य संपन्न हो जो कुछ हुआ है और उसका प्रायश्चित क्या होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पर सही है, यह सही है कि क्रोध के आवेश में वह अपने नियंत्रण में नहीं रहा था और मरने मारने पर उतारू हो गया था। यह भी सही है कि वह कृत्य प्रयोग कर रहा था और यदि 5-7 मिनट की ओर देरी होती तो जो हस्त्र औगड़ का हुआ वही उनका होता। बिना चाहे भी उसके हाथों से गुरु हत्या हो ही गई है। महाकाल कभी भी उसे क्षमा नहीं करेंगे। मैं दुष्ट हूँ, पातकी हूँ, मेरे हाथों से बहुत ही अशुभ हुआ है, कहते कहते भैरवी आंखों पर दोनों हाथ रखे सिसक सिसक कर रो पड़ी। मैं आश्चर्य में पड़ गया। जिस समय प्रसन्नता व्यक्त करने का क्षण है, यह उस समय रो रही है। इसने तो विजय प्राप्त की है, विजय उत्सव मनाने की अपेक्षा यह कमजोरी दिखा रही है। यदि इसे महाशमशान के अन्य भैरवी भैरवियों पर शासन करना है तो अपने आप को संयमित करना पड़ेगा, कुछ कठोर होना पड़ेगा, पौरुष और दृढ़ता दिखानी पड़ेगी। इस प्रकार सामान्य स्त्रियों की तरह रुदन करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे कुछ कहूँ। मुझसे यह ज़्यादा समर्थ है। आयु में ये भले ही मुझसे छोटी हो, परंतु ज्ञान और साहस में मुझसे निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर है। इसे स्वयं समझना चाहिए कि औगड़ की मृत्यु के बाद यह यहाँ की शासिका है, गुरु की तरह है। यह सब भैरव भैरवियाँ निश्चित रूप से इसे गुरु मान लेंगे और जिस प्रकार यहाँ से औगड़ का साम्राज्य है, उसी प्रकार से यह यहाँ की साम्राज्य बन करके रह सकेगी। दूर खड़े भैरव और भैरवियाँ धीरे धीरे नज़दीक आने लगे। उन्होंने देख लिया कि उनके गुरु कपालनाथ को कि जो बलि है वो महाकाल ने ले ली है। उनके शरीर का सारा रक्त काली ने पी लिया है और उसका मुंड गले में धारण कर लिया। इसके पीछे अवश्य ही महाभैरव का अदृश्य संकेत है। यह भैरवी निश्चित रूप से स्वयं सिद्धा है। गुरु तो ज्ञान होता है, उसके लिए शरीर का कोई विशेष महत्व नहीं होता। इस भैरवी के पास उसकी अपेक्षा कुछ उच्च कोटि का ही ज्ञान और क्रियाएं हैं। कुछ ऐसा अवश्य है जो औगड़ के पास नहीं था, इसलिए उसे समाप्त होना पड़ा। अब यदि यह भैरवी हमारी गुरु बनती है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? कुछ भय, कुछ हर्ष और कुछ आश्चर्य के साथ भैरव भैरवियां निकट आने लगी जहां पर मृगाक्षी बैठी हुई थी। उसने उन लोगों को अपने पास आते हुए देखा। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। एक दृढ़ संकल्प था
उसके चेहरे पर। उसने शायद यही निश्चय कर लिया कि जो कुछ भी हो गया है वह तो हो गया है, फिर अब उस पर अफसोस करने से क्या होगा, अब तो आगे का निर्णय लेना है। इन भैरव भैरवियों के सामने कमजोरी दिखाना ठीक नहीं, मौत और तांत्रिक का कोई भरोसा नहीं होता। इनके सामने मैंने कमजोरी दिखाई और यदि इन्हें पता चल गया कि मैं अंदर से पूरी तरह हिल गई हूँ तो अवश्य ही ये मुझ पर टूट पड़ेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं, इस समय मैं अकेली हूँ और ये बहुत हैं। इस समय इन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखना है। वह दृढ़ता के साथ अपने आसन पर खड़ी हुई और फिर पास आते हुए भैरव भैरवियों को उंगली के इशारे से रुकने का संकेत किया। खबरदार, यदि किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जैसा कपालनाथ का हस्त्र हुआ है ठीक वैसा ही तुम्हारा भी कर दूंगी। महाकाल की ग्रास में तुम्हारे ग्रास भी लग जाएंगे। आगे आती हुई भीड़ जहां की तहां रुक गई। भैरवी ने आज्ञा देते हुए कहा, सभी अपने अपने साधना कक्ष में चले जाएं। जैसे महानिशा में तुम लोगों की साधनाएं चल रही थी उसी प्रकार साधनाएं संपन्न करनी हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार का गतिरोध या व्याघात में मैं नहीं चाहती। मेरे बिना पूछे और बिना आज्ञा के कोई भी साधना कक्ष से न तो बाहर निकले और न ही परस्पर बातचीत करे। कल सुबह मैं स्वतः निर्णय लेकर तुम लोगों को बता दूंगी कि इस महाशमशान को किस प्रकार से संचालित करना है। भैरवी की वाणी में पौरुष और कठोरता थी। आशा का प्रत्येक शब्द दृढ़ और स्थिर था। दो क्षण पहले जो भैरवी आंखों में उंगलियां रख करके रो रही थी वह शायद कोई और थी। सभी भैरव और भैरवियां यंत्र चलित से अपने अपने साधना कक्ष में चले गए। भैरवी की आवाज सुनाई दी, उठो इसको सहारा दो। वह औघड़ के निर्जीव शरीर को अपने दोनों हाथों से उठाने का असफल प्रयास कर रही थी। शायद उसका अंतिम संस्कार करने का विचार हो। मैंने उससे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और सहारा देकर औघड़ की उस सिर विहीन लाश को अपने हाथों में उठाने का प्रयास किया। लाश भारी थी, मरने के बाद और भी ज्यादा भारी होकर के अकड़ गई थी। भैरवी ने कहा, कपालनाथ को उठाकर नदी के किनारे तक ले जाना होगा और अधोचित अंतिम संस्कार संपन्न करना होगा। फिर भैरवी ने मुझे सूल पानी को बुलाने के लिए कहा। वह औघड़ के संकेत पर यज्ञ वेदी के पास आकर बैठा हुआ था, पर ज्यों ही औघड़ का सिर टुकड़े टुकड़े होकर शून्य में विलीन हुआ त्यों ही वह हताश खिन्न सा उठकर अन्य भैरव भैरवियों के पास जाकर के खड़ा हो गया था। वह औघड़ संप्रदाय का उत्तराधिकारी था और कपालनाथ को उस पर बहुत अधिक विश्वास था। मैं सूलपाणी को बुलाकर भैरवी के पास ले आया। भैरवी ने उससे कहा, इसे उठाना है और नदी तक लेकर चलना है। तुम्हारे ही हाथों इसका अंतिम संस्कार संपन्न होगा। भैरवी इस प्रकार से आज्ञा दे रही थी मानो उसे कई कई वर्षों से शासन करने का ज्ञान हो। सूलपाणी ने बिना ना नुकर किए औघड़ की लाश को अपने कंधे पर डाला और भैरवी के संकेत पर वो आगे आगे चल दिया। उसके पीछे यज्ञ कुंड की अग्नि लेकर भैरवी थी और सबसे पीछे मैं चल रहा था। शमशान के पीछे जो पश्चिम किनारा था उस पर ही तुंग ध्रुवा जो नदी बहती थी, सूलपाणी वहां जाकर के खड़ा हो गया। तब भैरवी ने नदी के किनारे की जमीन साफ की और उस पर औघड़ को लिटा दिया। औघड़ संप्रदाय में दाह संस्कार नहीं होता, उसे जल समाधि दी जाती है। उसी के अनुरूप पहले सूलपाणी ने अपने गुरु की लाश को नदी के जल से स्नान कराया, एक खप्पर उसके मस्तिष्क के स्थान पर रखा, उस पर सिंदूर का तिलक किया और मुख से जो है यज्ञ की जो अग्नि से मामूली सा दाग दिया। उसके पश्चात सूलपाणी ने दोनों हाथों में अपने गुरु कपालनाथ की
लाश उठा करके नदी के मध्य में धीरे से प्रवाहित कर दी। नदी के किनारे भैरवी खड़ी खड़ी कपालनाथ का अंतिम संस्कार देख रही थी। ज्यों ही लाश नदी में विसर्जित हुई, भैरवी की आंखों में आंसुओं की बूंदें चल पड़ी। फिर तीनों ने ओगड़ कपालनाथ को अंतिम प्रणाम किया, तीन तीन अंजलि जल का तर्पण किया और वापस लौट आए। सूलपाणि अपने साधना कक्ष की ओर चला गया और भैरवी यज्ञ कुंड से काफी दूर एक तरफ पत्थर की एक चट्टान पर निढाल सी होकर बैठ गई। उसे बैठा हुआ देखकर मैं भी थोड़ा सा पीछे हटकर उसके पास ही बैठ गया। भैरवी न मालूम किन ख्यालों में खो गई। मैंने कुछ क्षण तो उसके चेहरे की ओर देखा, अब अनुभव किया कि उसका ध्यान मेरी ओर नहीं है। मैं तो चुप रह गया। भैरवी ने दो क्षण शून्य आकाश में देखा और सोचा कि विधाता भी उसके जीवन में क्या क्या खेल खेल रहा है। मैंने सोचा मेरी प्राण रक्षिका, इस भैरवी को छोड़कर वापस घर जाता हूँ तो मेरे जैसा कोई कृतघ्न नहीं होगा। इसने केवल मेरी वजह से इतना बड़ा दाव खेला, मुझे बचाने के लिए ही इसने कपालनाथ से टक्कर ली। आज यदि यह कठिनाई में है तो इसका एकमात्र कारण मैं हूँ। ऐसी स्थिति में अपनी तरफ से इसे छोड़कर नहीं जा सकता। यदि यह मुझे चले जाने को कह देगी तो भले ही चला जाऊँगा। उसके मन में यह नहीं आना चाहिए कि मैं इसके रूप या यौवन का प्यासा हूँ या इन तुच्छ चीज़ों की वजह से इसके पीछे लगा हुआ हूँ। मुझे तो इसकी बहादुरी पर नाज है। यदि यह रहती है तो मैं बराबर इसकी रक्षा के लिए तैयार रहूँगा। अन्य कामातुर भैरवों की नज़र से यथासंभव इसे बचाने का प्रयास करूँगा। यदि यह चले जाने के लिए भी कह देगी तब भी मैं एक तरफ रहकर इसकी रक्षा करने का प्रयत्न करूँगा। मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल इसके एहसानों का बदला चुकाने का प्रयास करूँगा। भैरवी ने मेरी ओर देखा और किसी गहरी सोच में डूबी हुई सी बोली, क्या सोच रहे हो? मेरी तंद्रा भंग हुई। चौंकता हुआ सा मैं बोला, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं सोच रहा। भैरवी ने कहा, जो हो गया सो हो गया। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, तुमसे मेरा कोई परिचय ही नहीं था। मैं तो खुद जो है कपालनाथ के साथ तुम्हें भैरव की बलि देने वाली थी, पर अचानक मेरे मानस में क्यों और कैसे विचार आया कि किस प्रकार से मेरे हाथों ने तुम्हें खींचकर बचा लिया। यह मैं कुछ भी नहीं जानती, यह सब किसी अदृश्य सत्ता के संकेत पर ही हुआ है। जरूर इसके पीछे महाप्रकृति का कोई विचार है, जरूर वह तुम्हें अभी बचाए रखना चाहती है। शायद नित्य लीला विहारिणी माँ पराम्बा तुमसे कोई विशेष कार्य करवाना चाहती है। अब तुम्हारा आगे क्या विचार है? मैंने उत्तर दिया कि यह तो निश्चित है, अब घर नहीं जाऊंगा। घर से मुझे किसी प्रकार का कोई विशेष मोह रहा ही नहीं। मैं एक सामान्य गृहस्थ रहा हूं और आजीविका से उदर पोषण करता रहता हूं। नित्य ही निर्धन और मध्यम श्रेणी का मैं व्यक्ति हूं, पर बचपन से ही तंत्र के प्रति मेरी आस्था रही है और मन में यह आशा बराबर रही है कि जीवन में तंत्र के क्षेत्र में कुछ ऐसा प्राप्त करूं जो अपने आप में अद्वितीय हो, उस स्थान तक पहुंचूं जहां अन्य सभी तांत्रिक बौने से प्रतीत हों, प्रकृति के उन रहस्यों को उजागर करूं जो अभी तक अगम्य, अगोचर और अदृश्य रहे हैं। कहते कहते मैं रुक सा गया। भैरवी ने कहा, कहो कहो, रुक क्यों गए? तुम्हारे विचार निश्चित रूप से सही हैं। यदि तुमने तंत्र के क्षेत्र में उतरने का निश्चय कर ही लिया है तो फिर मन में किसी प्रकार का मोह रखने की जरूरत नहीं है। जब अपने जीवन की नाव तंत्र के महासागर में उतार ली है
तो फिर तूफानों से घबराकर किनारों पर मुर्दे की तरह बैठना उचित नहीं है। जो कुछ करना है अपने दमखम के साथ करना है, पूर्णता के साथ करना है। मैंने जवाब दिया, आपकी बात सोलह आने सही है, मैं ना तो कायर हूं और ना ही पीछे हटने वाला हूं। यद्यपि मैंने जो कुछ देखा है वह अपने आप में रोमांचक है, परंतु इस क्षेत्र में यह सब तो होगा ही। अगर कायरों की तरह ही जीना है तो फिर घर की चार दीवारी कौन सी कम है। तंत्र तो भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप है, जो शिव की तरह ही शमशान में आनंद ले सकता है और सही अर्थों में शिव में हो सकता है। वही तंत्र के क्षेत्र में सफलता पा सकता है। और फिर जीवन का मूल्य और महत्व है ही क्या। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुछ विशिष्टता प्राप्त न की जाए तो जीवन तो पशुओं की तरह है, जो भूख लगने पर खाना खा लेते हैं और नींद आने पर सो जाते हैं। यह मनुष्यता नहीं है, यह जीवन की श्रेष्ठता और पूर्णता नहीं है, यह तो कायरता है, जीवन से पलायन है, टुकड़ों टुकड़ों में जीवन जीने का एक उपक्रम है। मैंने भले ही स्वेच्छा से इस पथ पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया हो, पर जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से घटनाएं घटित हो रही हैं, वे इस बात का संकेत अवश्य कर रही हैं कि मेरा जीवन केवल तंत्र के लिए ही है और तंत्र के द्वारा ही मेरे जीवन में पूर्णता आ सकती है। मैं आपके साथ हूँ, चाहे आप मुझे किसी भी ढंग से आजमा लें। सुख दुख में, विपत्ति में मैं छाया की तरह आपके साथ रहूँगा। समय पड़ने पर आपके लिए प्राणों की बाजी लगा दूंगा। यदि आपके लिए यह शरीर, यह प्राण, यह जिंदगी काम आ सके तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसलिए नहीं मुझे कोई स्वार्थ है, पर इसलिए कि आप में मानवता है। मारने की अपेक्षा जीवन को आपने महत्व दिया है। आप में ममतत्व है, नारी सुलभ कोमलता है, तो वीरता की पराकाष्ठा भी है। अब भैरवी भी मुस्कुरा कर रह गई, बोली, समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा, परंतु मेरा विचार अब इस जगह रहने का नहीं है। मुझे विशालाक्षी मंदिर में इस औगड़ के मुख से अनायास निकले शब्द स्मरण है कि समय के कुछ विशिष्ट खंड तक मैं तुम्हारा गुरु रहूंगा और पथ प्रदर्शन करूंगा। मैं सोचती हूं कि समय का वह खंड समाप्त हो गया, पर इसके साथ यह बात भी स्पष्ट है कि कोई न कोई गुरु अवश्य है, जिसको मुझे ढूंढना है। वह कहाँ है, कौन है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मैं तो केवल अदृश्य सत्ता के संकेत को समझने का प्रयास कर रही हूँ और मेरी आत्मा यह कह रही है कि ठहरना मृत्यु है, गति ही जीवन है। तंत्र के क्षेत्र में तो निरंतर अग्रसर होना ही चाहिए, नई नई दिशाओं और नए नए आयामों को ढूंढना चाहिए। मेरी खोज तब तक जारी रहेगी जब तक कि मैं अपने वास्तविक गुरु मुझे नहीं मिल जाते। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से जो आगे की घटना है वो सारी घटना गुरुदेव ने दिखाई है, क्योंकि यहाँ तक मैंने पुस्तक में पढ़ा था, जो एक पीडीएफ थी उसमें पढ़ा था। इसके बाद ये पुस्तक मेरे पास आई तो मैंने पूरा पुस्तक जब पढ़ा तो मुझे स्वयं याद आ गया, क्योंकि मैंने एक दृश्य देखा था जिसमें कि एक बहुत ही अप्सरा की तरह ये भैरवी दिखाई दे रही थी। लेकिन जब कभी भी अप्सरा यक्षिणी इस तरीके से आपको दिखाई देंगी स्वप्न में, तो एक काम वासना भी जागृत होती है, लेकिन उस वक्त ये काम वासना जागृत नहीं हुई थी। तो इसलिए मुझे तभी कुछ अनुभव हुआ था इस प्रकार का कि ये कुछ और चीज़ है, इसमें कुछ अलग संकेत है, क्योंकि यहाँ पर
ये जबकि इतनी सुंदर है लेकिन फिर भी ऐसा कुछ उसकी तरफ से नहीं हुआ ना हमारी तरफ से हुआ, तो ये है कौन, इसका कारण क्या है। लेकिन तब तक तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मुझे सारा स्मरण हो गया। फिर खैर मैं आगे की घटना में आपको बताता हूं। अब फिर कुछ रुक करके मृगाक्षी बोली कि मुझे अपने पिता का कथन स्मरण आ गया। एक दिन उन्होंने विशालाक्षी के मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए मुझसे कहा था कि बेटी तुम्हारा भविष्य तंत्र के क्षेत्र में अत्यधिक उज्ज्वल है, तंत्र ही तुम्हारा पथ है और मंजिल है और अंतिम पड़ाव है। निश्चित रूप से 22वें साल के अंत में तुझे तेरा वास्तविक गुरु प्राप्त होगा, जो कई जन्मों से तेरा गुरु रहा है। या तो तू उसे ढूंढ लेगी या वह तुझे बुला लेगा। इस समय मेरा 22वां साल उतर रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे पिताश्री का कथन सत्य होने जा रहा है। अब ये बात तो निश्चित है कि मेरे जो गुरु होंगे वे तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय और भगवान शिव के साक्षात स्वरूप होंगे। मुझे स्वप्न में एक बार उनकी झलक मिल गई है। मैंने देखा है कि मैं माँ विशालाक्षी के चरणों में बैठी हुई हूँ और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे पूर्णता दें, मुझे दीक्षा दें और सफलता दें। तभी जगत जननी माँ विशालाक्षी मुझे खींचकर अपने पास बिठा लेती है और मेरे सर पर हाथ फेरती हुई कहती है कि जब तू तंत्र मार्ग पर कदम बढ़ाएगी तब प्रारंभ जो गतिरोध के बाद एक अद्वितीय सन्यासी के द्वारा तुझे दीक्षा मिलेगी और यही तेरे तंत्र गुरु होंगे। ये सामान्य सन्यासी नहीं है, अपितु भगवान शिव के साक्षात स्वरूप होंगे। और ऐसा कहते कहते माँ ने एक तरफ संकेत कर दिया। मैंने देखा पीछे की ओर श्वेत हिम से ढका हुआ पहाड़ है, उसकी तलहटी से कुछ ऊपर एक भव्य आश्रम है। आश्रम के मध्य में एक विशाल पेड़ के नीचे श्वेत शिला पर सन्यासी बैठे हुए हैं। आदित्य तेजस्वी रूप प्रखर और चुंबकीय व्यक्तित्व, भव्य आकृति, बलिष्ठ सुसंगठित शरीर और लंबी काली जटाएं पीछे तक पड़ी हुई हैं। ललाट पर कुमकुम का सुंदर तिलक लगा हुआ था, कमलवत नेत्र बंद थे, व्याघ्र चरम पर बैठे हुए वे साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप नजर आ रहे थे। उनके बाएं पार्श्व की तरफ बहुत ऊंचाई से एक झरना गिरता हुआ अत्यधिक सुंदर आकृति दिखाई दे रहा था। सन्यासी के दाहिनी ओर एक छोटा सा मृग बिछौना पड़ा हुआ था और एक जो मृग उस वहां पर बैठा हुआ था वह टुकर टुकर सन्यासी के तेजस्वी चेहरे की ओर देख रहा था। आश्रम के मुख्य द्वार के आगे भव्य नदी वो बह रही थी और नदी में शिष्य और शिष्याएं आते जाते दिखाई दे रहे थे। सभी के चेहरे दीप्तमान थे, उनके मुंड पर एक विशेष अपूर्व आभा और ज्ञान की चमक दिखाई देती थी। ऐसा लग रहा था कि वे सभी संतुष्ट हैं। मृगाक्षी ने कहा, यह स्वप्न मेरे मानस में स्पष्ट है और मैंने उस सन्यासी को देखकर भक्ति भाव से प्रणाम किया। मेरा सिर स्वतः ही उनके चरणों में झुक गया। ऐसा लगा जैसा मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। मुझे उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि जो कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहती हूँ इन्हीं सन्यासी से प्राप्त हो सकता है। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन की गति और सन्यासी से ही प्राप्त हो सकती है। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन की गति और मेरे जीवन की पूर्णता इसमें ही समाहित है। निश्चय ही ये मेरे जन्म जन्म के गुरु हैं और इनके चरणों में बैठने पर ही शीतलता का आभास हो सकता है। मैं उठ करके सन्यासी के पास चली गई। मेरा हृदय गदगद हो गया, प्रेम से मेरा गला अवरुद्ध हो गया और प्राणिपात होकर के उनके चरणों में झुक गई। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मैंने देखा कि वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपने आप में धन्य हो गई।
यहाँ से उठकर मैं माँ के पास पहुँची तो माँ विशालाक्षी मुस्कुरा रही थी। मुझे कहा कि यही तेरे गुरु हैं, इनके चरणों में ही तू तंत्र के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगी, जीवन का लक्ष्य पहचान सकेगी और वो सब कुछ प्राप्त कर सकेगी जो तेरा अभिषिक्त है। तभी मेरी अचानक आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरा सिर पिता की गोद में रखा हुआ है और वे करुणा से मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। मुझे जो स्वप्न आया वह उन्हें सुना दिया मैंने। पिताजी ने कहा कि यह स्वप्न नहीं यथार्थ है, तुम्हारे जीवन में ऐसा ही होगा और जिस दिन ऐसा होगा वह दिन तुम्हारी दीक्षा का होगा, सफलता का होगा, पूर्णता का होगा। मृगाक्षी ने मुझे संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद, मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में हूँ कि यह स्वप्न यथार्थ हो जाए। निश्चय ही कोई गुरु अवश्य हैं जो मुझे आवाज़ दे रहे हैं। अदृश्य सत्ता जो है वो संकेत कर रही है कि अब वो समय आ गया है जब मुझे गुरु चरणों में पहुंच जाना चाहिए, मुझे निश्चित रूप से यहाँ से चले जाना चाहिए। जब मैंने इस पथ पर पांव बढ़ा ही दिए हैं तो फिर सोचना विचारना क्या, और फिर गुरु तो अप्रत्यक्ष रूप से मेरे आसपास ही विचरण कर रहे होंगे, वे अपने नेत्रों से सब कुछ देख रहे होंगे, वे अवश्य ही कोई ऐसा संकेत देंगे जिससे कि मैं उन तक पहुंच सकूं और उनके चरणों में समर्पित हो सकूं, उन पर सब कुछ नछावर कर सकूं। अरविंद, ना तो मैं तुझे अपने साथ चलने के लिए कहती हूं और ना ही तुझे रोकती हूं, इस सारी क्रिया में तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी वजह से ही कोई घटना घटित हुई, हो सकता है ऐसा तेरा सोचना व्यर्थ है। जो कुछ होता है उस लीला विहारिणी माँ पराम्बा के संकेत से ही होता है, हम तो उसके हाथों की कठपुतलियां हैं, हमारी डोर उसके हाथ में है। वह इस विश्व लीला स्थल पर जिस प्रकार से हमें नचाती है उसी प्रकार से हम नाचते हैं। मैंने एक क्षण के लिए भैरवी की ओर देखा और बोला कि जीवन का उद्देश्य पूर्णता है, कायर लोग ही अपूर्ण जीवन के साथ समाप्त हो जाते हैं, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाना ही पूर्णता है और मैं निश्चित रूप से इस पूर्णता के तट पर तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारा उद्देश्य है वही मेरा उद्देश्य है, जो तुम्हारा लक्ष्य है वही मेरा लक्ष्य है, और मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे गुरुदेव हैं संभवतः वे ही मेरे गुरुदेव हैं। इस बात की वास्तविकता तो गुरुदेव ही बता सकते हैं, पर मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हारे और मेरे सूत्र कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जुड़े अवश्य हैं। उषा काल प्रारंभ हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे दसों दिशाओं में प्रकृति ने गुलाल बखेर दिए हो, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगी थी और धीरे धीरे रात्रि समाप्त हो रही थी और उषा पूर्ण सज धज के जो है पृथ्वी पर उतर आई थी। थोड़ी ही देर में पूर्व क्षितिज से सूर्य ने झांक कर हम सबको देखा। मैं और भैरवी तब तक नदी में स्नान कर कपड़े बदल चुके थे, सूर्य को अर्घ दिया और नवीन जीवन प्रारंभ करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। भैरवी ने कहा, पहले महाशमशान चलना है, कायरों की तरह छुप कर चले जाना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, और न ही न दैन्यम पलायनम, हम दोनों महाशमशान के आधार कक्ष के बाहर खड़े हो गए। तब तक समस्त भैरव और भैरवियाँ अपने स्थान पर बैठ गई थी। भैरवी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यह परंपरा थी कि प्रातःकाल सूर्य के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर कपालनाथ आधार कक्ष के बाहर आपने और अपने प्रयासों और सफलताओं के बारे में उनको बताते थे। जब कपालनाथ उन्हें
उस दिन की क्रिया पद्धति समझाते जिससे कि वे सभी अपनी अपनी साधनाओं में रत हो सकें। मेरे आगे आगे भैरवी थी और मैं किंचित पीछे पीछे चल रहा था। मेरे मन में किसी प्रकार का भय या लघुता का भाव नहीं था। मेरे पैरों में दृढ़ता और मन में कठोरता थी। भैरवी व्यासपीठ के पास आकर के खड़ी हो गई, जो पूर्णतः नर मुंडों से बना हुआ था और मानव अंतड़ियों से परस्पर गुथा हुआ था। आसन के स्थान पर मानव चर्म बिछा हुआ था उस पर, और जिस पर कपालनाथ बैठकर साधना संकेत समझाते, पथ प्रदर्शन करते और प्रत्येक बात ध्यान से सुनते। भैरवी ने एक सेकंड के लिए उपस्थित सभी भैरव भैरवियों पर दृष्टि डाली और फिर बोली, आप सभी मेरे भाई बहन की तरह हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि कुछ समय आपके बीच बिताने का अवसर मिला और इस अवधि में आप लोगों से बहुत अधिक प्यार स्नेह अपनत्व पाया। यही नहीं अपितु साधना के क्षेत्र में भी आप सबने थोड़े बहुत रूप में मेरा मार्गदर्शन किया ही था, पर पिछले दिन जो भी कुछ घटित हुआ वह महाभैरव का संकेत ही रहा होगा, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ। निश्चय ही औगढ़ कपालनाथ मेरे गुरुवत थे और तंत्र के क्षेत्र में उनसे मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया था, परंतु उनकी आंखों में धीरे धीरे कामातुरता व्याप्त हो रही थी और कामेच्छा महाकालेश्वर भैरव का अपमान कहा जाता है। यह मृत्यु का निमंत्रण है और इस कामातुरता ने ही संभवतः औगढ़ कपालनाथ के प्राण ले लिए थे। मैं किसी भी प्रकार से उसका अंत नहीं चाहती थी, मैं तो इस युवक को मृत्यु से बचाना चाहती थी। नरबलि मेरी दृष्टि में तुच्छ है, ये है और यही भावना अप्रत्यक्ष रूप से उस समय मेरे मन पर हावी हो गई थी। और जिस समय औगढ़ खड़ंग प्रहार करने जा रहा था, मैंने इसे एक तरफ खींच करके बचा लिया। इसके पीछे न तो कोई मेरा स्वार्थ था और न ही किसी प्रकार की कोई इच्छा थी। मैं मृत्यु की अपेक्षा जीवन को ज़्यादा महत्व देती हूँ। औगढ़ कपालनाथ के साथ जो कुछ घटित हुआ उसके पीछे कोई अदृश्य सत्ता रही होगी, अवश्य ही महाकाल की ऐसी इच्छा रही होगी, तभी वे भगवान भैरव में लीन हो गए। इसका जितना दुख आपको है शायद उससे भी ज़्यादा दुख मुझे है, पर अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। मेरा गंतव्य कहीं और है, मेरा पथ कुछ अलग है, इसलिए इस महाशमशान के सारे अधिकार सूल पानी के हाथों में सौंप रही हूँ। भविष्य में वही तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, यही तुम्हारा नियता होगा। और ऐसा कहते कहते भैरवी ने सूल पानी को संकेत से अपने पास बुलाकर खड़ा कर दिया और कहते कहते भैरवी ने सूल पानी को उस व्यास पीठ पर बिठा दिया तथा मुझे संकेत किया कि मैं हाथ के अंगूठे को चीर कर रक्त से उसका तिलक करूं। मैं आगे बढ़ा, एक तरफ रखी हुई छुरी से दाहिने अंगूठे को थोड़ा सा चीरा और छल छलाते हुए रक्त से उसके मस्तक पर तिलक का संकेत दिया कि सूल पानी ही इस व्यास के पीठ के अधिकारी हैं। भैरवी आगे बढ़ी, उसने वहां से किसी प्रकार का कोई साधन या वस्तु अपने हाथ में नहीं ली। तांत्रिक ने तो दसों दिशाओं ही उसके वस्त्र होते हैं, तांत्रिक के तो पृथ्वी पर बिछौना और आकाश ही ओढ़ने का उसका कंबल होता है, प्रकृति उसकी पूरक होती है। इन सब लौकिक पदार्थों की तांत्रिक के लिए क्या उपयोगिता। आगे आगे भैरवी दृढ़ कदमों से अज्ञात दिशा की ओर बढ़ रही थी और मैं उसके पीछे पीछे छाया की तरह गतिशील था। कोई रास्ता स्पष्ट नहीं था, कोई विद्या निर्धारित नहीं थी, ना कोई दिशा निर्धारित थी, कोई संकेत पास में नहीं था, फिर भी भैरवी
इस प्रकार से आगे बढ़ रही थी मानो सारा रास्ता उसे पता हो। मैंने एक दो बार मार्ग में पूछा भी कि मृगाक्षी तुम किधर जा रही हो। कोई भी यात्रा करने से पूर्व एक दिशा निर्धारण तो होता ही है, एक निश्चित लक्ष्य जो है वो तो होता ही है कि तुम्हें जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। तुमने अपने मन में कोई तो लक्ष्य बनाया ही होगा, कुछ तो सोचा होगा कि किस दिशा पर पहुंचना है। मैं देख रहा था कि फूलों की तरह कोमल मृगाक्षी का चेहरा मुरझा गया, पांवों में गठने पड़ गई, चलते चलते गति में शिथिलता स्पष्ट दिखाई देने लगी। प्रातः हुआ, दोपहर हुई, अब तो दिन ढलने लगा। ना तो कहीं विश्राम किया और ना ही अन्न का एक दाना ही मुंह में गया। मैंने एक दो बार दबी जुबान से प्रतिवाद किया भी कि मृगाक्षी विश्राम भी तो कहीं करना आवश्यक है, तू थक गई होगी, थोड़ी देर सस्ता लें, फिर तरोताजा हो जाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे। सूर्य अस्ताचल की ओर ढल रहा था, अब कहीं ना कहीं विश्राम करना आवश्यक था। पास में ही एक छोटा सा गांव दिखाई देने लगा, किसी किसी घर में दिया जल रहा था। हम गांव के पास पहुंचे, एक ग्रामीण को रोक कर पूछा कि वह कौन सा गांव है, यह रास्ता किधर जाता है। ग्रामीण ने उत्तर दिया, यह रास्ता तो उत्तराखंड की ओर जाता है। आप लोगों को यह भी पता नहीं कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं, और यह पणमा गांव है, आप कौन हैं। मैंने उत्तर दिया, हम तो राहगीर हैं और रास्ता भूल गए हैं, इसलिए पूछ रहे थे। क्या इस गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? उसने संकेत से एक घर की ओर इशारा कर दिया। हम दोनों उस तरफ की जो है बढ़ गए। छोटा सा गांव था और किनारे पर वो छोटा सा घर था। गोबर से लिपी हुई कच्ची दीवार और बाहर दरवाजे से दोनों ओर सफ़ेद रंगों से मंडपे में मंडे हुए थे और निश्चय ही यह कोई ब्राह्मण का ही घर होगा। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर अलख लगाई, अलख निरंजन। ब्राह्मण बाहर आया, 45 साल का प्रौढ़। हम दोनों को देखकर थोड़ा सा अचकचा गया, फिर बोला, आइए महाराज, अंदर आइए। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो किंचित हंस दिए, दोनों ही धूल से अटे हुए थे। चलते चलते शरीर थक गया था, चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रही थी। हम दोनों अंदर आंगन में आ गए और देखा कि वो दो कमरों का छोटा सा मकान है, जिस पर मिट्टी के कोलू पड़े हुए हैं। थोड़ा सा आंगन है जिसके एक तरफ वृद्धा माँ और शायद ब्राह्मण की पत्नी बैठी हुई थी। एक 18-19 वर्ष की कन्या बाहर बैठी खाना पका रही थी और आंगन में दूसरी ओर दो बालक खेल रहे थे, शायद यही उसी का परिवार था। बैठिए महाराज, काफ़ी देर से चल करके आए हैं आप। मैंने कहा कि हाँ भाई, चलते चलते काफ़ी देर हो गई है, तो हमने सोचा कि किसी ब्राह्मण के घर पर ही रात काट लें। हम किसी ब्राह्मण के अलावा किसी और का अन्न स्वीकार नहीं करते। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम आज की रात यहाँ विश्राम कर लें। मेहमान और परमेश्वर तो एक समान होते हैं। फिर आपने तो साधु वेश पहन रखा है। मैं तो अचरज कर रहा था कि आप दोनों की इतनी छोटी उम्र और भगवे कपड़े धारण करना क्या कोई खास मजबूरी थी? मैंने कहा, कोई खास कारण नहीं, ईश्वर ने चाहा और हमने धारण कर लिया। हम तो उत्तराखंड की ओर जा रहे थे कि बीच में तुम्हारा गांव आ गया, इसलिए रुक गए। मैंने घर के मुखिया से जो था उनसे पूछा कि क्या करते हो, क्या नाम है तुम्हारा। उसने उत्तर दिया, मैं तो 2-3 पीढ़ियों से इसी गांव में हूँ और ब्राह्मण वृत्ति से आजीविका निर्वाह करता हूँ। मेरा नाम पूर्णानंद है, यह मेरी माँ है, यह मेरी बहुरिया है, यह बिटिया पारो
और ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो उधर खेल रहे हैं, इतना ही मेरा परिवार है। फिर बात को आगे बढ़ाता हुआ बोला, मैं तो खुद संन्यास लेने की सोच रहा था, परंतु माँ ने नहीं लेने दिया। मेरी तो इच्छा वेद शास्त्र में पारंगत होने की थी, पर ऐसा तो मौका ही नहीं मिला। खैर, अपने अपने कर्म, अपने अपने भाग्य। आप आज घर आए हैं तो कुछ ज्ञान चर्चा आपसे हो ही जाएगी, आपसे ही दो अक्षर सीख लेंगे। तब तक पारो ने चूल्हे पर गर्म पानी रख दिया था, पर पूर्णानंद वह गर्म पानी की बाल्टी मैं लेकर के रखते हुए बोला कि आप दोनों स्नान कर लो, और धूल से आप अट गए हो, स्नान करने से ताजगी आ जाएगी। वह उस तरफ से मड़ैया है, वहाँ बाई जी स्नान कर लें, और आप तो उस तरफ पत्थर पर बैठकर ही स्नान कर सकते हो। हम दोनों के पास अतिरिक्त वस्त्र भी नहीं थे। हम तो जब महाशमशान से निकले थे तो खाली हाथ ही निकल पड़े थे। ब्राह्मण ने संभवतः ताड़ ली बात को और बोले कि पास में तो कपड़े लत्ते भी नहीं हैं, ऐसे कैसे सन्यासी हो, स्नान करके क्या बदलोगे। फिर उसने पत्नी को एक दो मिनट समझाया और मेरे लिए एक धोती और एक सुला हुआ कुर्ता ले आया, जो शायद उसे यजमान वृत्ति से कहीं से मिला होगा। मृगाक्षी के लिए उसकी पत्नी ने कपड़े लाकर दे दिए, जो सर्वथा नए थे। पानी गर्म होने से सारे शरीर की थकावट एक बारगी में ही समाप्त हो गई। साबुन से पूरे शरीर को दो बार धोया, तब जाकर जड़ता समाप्त हुई। ब्राह्मण के दिए हुए कपड़े मैंने पहन लिए, धोती कुर्ता, और इस वेश में अच्छा जब लग रहा था। कुर्ता तो ऐसा मिला हुआ था कि मानो मेरे लिए ही सिलवाया गया हो। तब तक मृगाक्षी भी आ गई, शायद उसने बालों को दो तीन बार साबुन से धोया था, इसलिए वे बाल जो है वो चमकीले पीठ पर पड़े हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तब तक पारो ने खाना बना दिया था। हम दोनों जमीन पर बिछे हुए आसन पर बैठ गए और ब्राह्मण की पत्नी ने आग्रह कर पूरा भोजन करा दिया। भोजन के बाद पूर्णानंद पास में ही आकर के बैठ गए। परिवार के अन्य सदस्य भी घर के कामकाज से निवृत्त होकर के खाट के चारों ओर बैठ गए। यद्यपि मैं खाट पर सोना नहीं चाहता था, परंतु उन्होंने जबरदस्ती मेरे लिए खाट बिछा दी और उसी पर बैठने का आग्रह किया था। पूर्णानंद ने पूछा कि महाराज किधर से आए हो और किधर को जा रहे हो, ये आपकी बहन है या शिष्या? इस छोटी सी उम्र में आप दोनों ने संन्यास धारण किया है तो जरूर कोई कारण होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कोई विद्या जरूर प्राप्त की होगी, मुझे भी दो चार चीज़ें सिखा दो तो इस गांव में मेरी भी कुछ इज्जत आबरू बढ़ जाए। शायद वह बातूनी था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। फिर अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ बोला, मैं तो तीन पीढ़ी से यहाँ पर हूँ और मेरे परिवार ने तो तीन पीढ़ियों से गरीबी ही देखी। आपके पास कोई ऐसा टोना टोटका हो जिससे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से आकर टिक जाए तो बड़ी कृपा होगी। बिटिया भी विवाह के लायक हो गई है और इसके लिए भी कोई ढंग का वर ढूंढना मुश्किल हो रहा है, कुछ तो घर में होगा तभी तो विवाह करेंगे। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। मैं अपनी तरफ से हाँ हूँ करता हुआ कुछ जवाब देता रहा। पूर्णानंद ने आगे कहा, आप कहें तो मैं साल दो साल के लिए संन्यास धारण कर लूँ, शायद आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। जब ऐसी बिटिया आपकी शिष्या बनी है तो जरूर आपके पास कोई ऊंची विद्या है। मैंने जवाब दिया, पंडित जी अभी तो कोई ऊंची विद्या हम नहीं सीख पाए हैं, परंतु भरोसा है कि जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त हो ही जाएगा। जब हमें कोई विद्या मिलेगी
तो आपके गांव की तरफ जरूर आएंगे और आपको सिखाएंगे। अब मेरे सोने का समय हो गया है और आप कहें तो मैं सो जाना चाहता हूँ। घर वाले सभी बेमन से उठ खड़े हुए। जहाँ पर पारों का बिछौना बिछा था उसके पास ही मृगाक्षी का बिछौना भी बिछा दिया गया और मैं सोच रहा था कि मृगाक्षी के साहस और जीवट शक्ति की एक सुकुमार युवती होने के बावजूद उसमें जो दृढ़ता और हिम्मत है, यद्यपि मैं इसके जीवन से परिचित नहीं था, मुझे पता नहीं था कि यह किसकी लड़की है, किस घराने से संबंधित है, पर यह बात निश्चित थी कि किसी ऊंचे घराने से ही इसका संबंध है। इसमें जो गरिमा है, हिम्मत है, साहस है, बातचीत का जो सलीका है, वह इसका प्रमाण है कि यह घटिया और ओछे खानदान से संबंधित नहीं हो सकती। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ कब मुझे नींद आ गई कुछ नहीं पता चला। जब आँख खुली थी तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा छटने लगा था, पक्षी चहचहाने लगे थे। मैं उठा, गांव के बाहर नदी के किनारे स्नान किया, संध्या आदि से निर्वृत्त होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और अपने इष्ट भगवान पशुपतिनाथ की प्रार्थना की। कल के पहने हुए कपड़े मैंने रात को धोकर सुखा दिए थे, उन्हें आज पहन लिया और ब्राह्मण के दिए हुए वस्त्र धोकर फैला दिए थे। जब तक मैं संन्यास आदि से निवृत्त हुआ तब तक वे भी सूख गए थे। अब मैं कपड़े समेट कर घर लौटा तब तक मृगाक्षी भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के तैयार हो गई थी और आगे चलने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मृगाक्षी ने मुझे चलने का संकेत किया और हम दोनों गांव से बाहर निकल गए। मैंने पूछा, मृगाक्षी, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं क्या यह रास्ता सही है और हम किस जगह जा रहे हैं, इसका कोई अता पता ज्ञात है? अंधेरे में चलते रहने की क्या तुक है? इससे तो हम वाराणसी चले जाएं, वहीं पर गंगा के किनारे आश्रम बना ले और साधना संपन्न करेंगे। मृगाक्षी ने किंचित रोष से मेरी ओर देखा, बोली, यदि तुम्हें वाराणसी जाना है तो यहीं से मुड़ सकते हो। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे घर का मोह तुमसे छूटा नहीं है और मोहग्रस्त संन्यासी निश्चय ही पतन के खड्ड में गिरता ही है। संन्यासी को न तो किसी से लाग लपेट होनी चाहिए और ना ही मोह, स्वयंपन में भी उसके द्वारा असत्य भाषण नहीं होना चाहिए। कल भी ब्राह्मण के यहाँ तुमने थोड़े बहुत रूप से असत्य भाषण किए, मुझे यह ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो देखिए, अब यहाँ से मृगाक्षी और अरविंद दोनों आगे की यात्रा में हैं। उन्हें कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो है वो संकेत कर रही है आगे बढ़ने का। तो जो आगे की कथा है वो मैं फिर आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।